अलवरगेट थाना अंतर्गत अवैध हथियार सहित युवक को किया गिरफ्तार। थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने देशी कट्टे के साथ पकड़ा आरोपी को। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अलवरगेट थाना अंतर्गत 27 अक्टूबर की शाम थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर जब गश्त के दौरान नसीराबाद रोड से गुजर रही थी, तभी उन्हें सूचना मिली कि आड़ी पुलिया के पास एक युवक अवैध हथियार के साथ खड़ा हुआ है, जिस पर सुनीता गुर्जर ने युवक को पकड़कर उससे पूछताछ की तो उसके कब्जे से एक देशी कट्टा बरामद हुआ। युवक को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। पकड़ा गया आरोपी गोवा कॉलोनी भजनगंज का रहने वाला हरीश चंद्र पुत्र हुकम सिंह है। अनुसंधान अधिकारी दातार सिंह ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी एक मारपीट का मामला थाने में दर्ज है। दिनांक 27/10/20 को उच्च अपसरण बलों के आदेश अनुसार अपराधों की रोकथाम हेतु थाना जागी SHO श्रीमती सुनीता गुर्जर मई जब तक गश्त में थी, दौरान गश्त मैडम को इतला मिली कि नसीराबाद रोड आरडी पुलिया जोन आरडी पुलिया के पास में एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर खड़ा है, जो वारदात की फिराक में है, जिस पर मैडम ने तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसकी तलाशी ली तो जिसके पास में एक अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला। मौके पर जब्त किया, मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। जो मुलजिम है उसका नाम है हरीश चंद्र सनोप हुकम सिंह, निवासी गोवा कॉलोनी भजनगंज है, जिससे अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसके पूर्व में इसके खिलाफ एक मारपीट का मुकदमा है और इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। दातार सिंह भेड़िया, थाना अलवरगेट, अजमेर। उसका क्या नाम है जी? इसका हरीश चंद सनोब हुकम सिंह, निवासी गौ कॉलोनी। किसके लाया था ये हथियार? अब ये तो करा के वहाँ पर कोई कुत्ते वगैरह काटते हैं, इसलिए उनको सलटाने के हिसाब से लाया था। अभी तक जाँच इसमें जांच की जा रही है।